श्री विष्णु पुराण चौथा अध्याय ऋग्वेद की शाखाओं का विस्तार। श्री पराशर जी बोले, सृष्टि के आदि में ईश्वर से आविर्भूत वेद त्रक यजुः आदि चार पादों से युक्त और एक लक्ष मंत्र वाला था। उसी से समस्त कामनाओं को देने वाले अग्निहोत्र आदि 10 प्रकार के यज्ञों का प्रचार हुआ। तदंतर 28वें द्वापर युग में मेरे पुत्र कृष्ण देवापयन ने इस चतुष्पाद युक्त एक ही वेद की चार भाग किए। परम बुद्धिमान वेदव्यास जी ने उनका जिस प्रकार विभाग किया है, ठीक उसी प्रकार अन्य नए वेदव्यासों ने तथा मैंने भी पहले किया था। अतः हे द्विज, समस्त चतुर्युगों में इन्हीं शाखा भेदों से वेद का पाठ होता है ऐसा जानो। भगवान कृष्ण द्वैपायन को तुम साक्षात नारायण ही समझो, क्योंकि हे मैत्रेय, संसार में नारायण के अतिरिक्त और कौन महाभारत का रचयिता हो सकता है। हे मैत्रेय, द्वापर युग में मेरे पुत्र महात्मा कृष्ण द्वैपायन ने जिस प्रकार वेदों का विभाग किया था वह यथावत सुनो। जब भगवान ब्रह्मा जी की प्रेरणा से व्यास जी ने वेदों का विभाग करने का उपक्रम किया तो उन्होंने वेद का अंत तक अध्ययन करने में समर्थ चार ऋषियों को शिष्य बनाया। उनमें से उन महामुनि ने पहल को ऋग्वेद, वैशंपायन को यजुर्वेद और जैमिनी को सामवेद पढ़ाया तथा उन मतिमान व्यास जी का सुमंतु नामक शिष्य अथर्ववेद का ज्ञाता हुआ। इनके सिवा सूत जातीय महाबुद्धिमान रोमहर्षण जी को महामुनि व्यास जी ने अपने इतिहास और पुराण के विद्यार्थी रूप से ग्रहण किया। पूर्व काल में यजुर्वेद एक ही था, उसके उन्होंने चार विभाग किए। अतः उसमें चातुर्होत्र की प्रवृत्ति हुई और इस चातुर्होत्र विधि से ही उन्होंने यज्ञ अनुष्ठान की व्यवस्था की। व्यास जी ने यजुः से उधर्वायु के, त्रक से होता के, साम से उद्गाता के तथा अथर्ववेद से ब्रह्मा जी के कर्म की स्थापना की। तदंतर उन्होंने त्रक तथा यजुः श्रुतियों का उद्धार करके ऋग्वेद एवं यजुर्वेद की और साम श्रुतियों से सामवेद की रचना की। हे मैत्रेय जी, अथर्ववेद के द्वारा भगवान व्यास जी ने संपूर्ण राजकर्म और ब्रह्मत्व की यथावत व्यवस्था की। इस प्रकार व्यास जी ने वेद रूप एक वृक्ष के चार विभाग कर दिए। फिर विभक्त हुए उन चारों से वेद रूपी वृक्षों का वन उत्पन्न हुआ। हे विप्र, पहले पैल ने ऋग्वेद रूप वृक्ष के दो विभाग किए और उन दोनों शाखाओं को अपने शिष्य इंद्र प्रमिति और बाष्कल को पढ़ाया। फिर बाष्कल ने भी अपनी शाखा के चार भाग किए और उन्हें बौद्ध आदि अपने शिष्यों को दिया। हे मुने, बाष्कल की शाखा की उन चार प्रति शाखाओं को उनके शिष्य बौद्ध, अग्निमाढ़क, याज्ञवल्क्य और पराशर ने ग्रहण किया। हे मैत्रेय जी, इंद्र प्रमिति ने अपनी प्रति शाखा को अपने पुत्र महात्मा मांडुकय को पढ़ाया। इस प्रकार शिष्य प्रशिष्य क्रम से उस शाखा को उनके पुत्र और शिष्यों में प्रचार हुआ। इस शिष्य परंपरा से ही शाकल्य वेदमित्र ने उस संहिता को पढ़ाया और उनको पांच अनुशाखाओं में विभक्त कर अपने पांच शिष्यों को पढ़ाया। उसके जो पांच शिष्य थे उनके नाम सुनो। हे मैत्रेय, वे मुद्गल, गौमुख, वात्सय और शालीय तथा पांचवें महामति शरीर थे। हे मुनि सतन, उनके एक दूसरे शिष्य शाक्रपुंग ने तीन वेद संहिताओं की तथा चौथे एक निरुक्त ग्रंथ की रचना की। उन संहिताओं का अध्ययन करने वाले उनके शिष्य महामुनि क्रौंच वैतालिक और बलाक थे तथा निरुक्त का अध्ययन करने वाले एक चौथे शिष्य वेद वेदांग के पारगामी निरुक्तकार हुए। इस प्रकार वेद रूपी वृक्ष की प्रति शाखाओं से अनुशाखाओं की उत्पत्ति हुई। हे द्विजोतन, बाष्कल ने और भी तीन संहिताओं की रचना की। उनके उन संहिताओं को पढ़ने वाले शिष्य काल यानी गार्गय तथा कथा जल थे। इस प्रकार जिन्होंने संहिताओं की रचना की
वे ब्रह्मवृक्ष कहलाए। इस प्रकार श्री विष्णु पुराण के तीसरे अंश में चौथा अध्याय संपूर्ण हुआ। जय श्री हरि।